आज हम यहाँ आपको हिंदी विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आज आपको हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा और उसके रूप के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा और उसके रूप। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक भाषा और उसके रूप। बच्चों, प्रश्न उठता है कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है। हम भाषा को बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरों को समझाते अथवा दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप कि आपको यदि हिंदी भाषा आती है तो हिंदी भाषा दूसरे व्यक्ति को भी आनी चाहिए, तब उसको वह भाषा या आपकी बात समझ में आएगी। यदि उसको हिंदी भाषा नहीं आती, कोई अन्य भाषा आती है, तो वो आपकी बात सही प्रकार से नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्यतः दो रूप होते हैं या दो प्रकार होते हैं। नंबर वन, मौखिक भाषा। नंबर सेकंड, लिखित भाषा। नंबर वन, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। चित्र में पिताजी अपनी पुत्री को चंदा मामा की कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाना, कविता सुनाना, गाने सुनाना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। नंबर सेकंड, लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। चित्र में अध्यापक बच्चों को श्याम पट पर लिखकर पढ़ा रहे हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। श्याम पट पर लिखना, कॉपी पर लिखना, पत्र लिखना आदि भाषा का लिखित रूप है। अतः आज हमने सीखा कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं और हम अपनी बात किस तरह से समझा सकते हैं। धन्यवाद।